अंदर को चमकाओ। ठीक है ना जी, कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह जी। अच्छा, रमज़ान में जो कमी कोताही रही उसके इजाले के लिए एक सदका फितर है, फितराना निकालो अपना। इसमें दो फायदे, एक तो आदमी की जो कमी कोताही रमज़ान में हुई उसका इजाला होगा, दूसरा गरीबों को खुशियों में क्या करो, शरीक करो, सदका फितर निकालो। अच्छा, आप देखो हर आदमी का घर एक जैसा नहीं है ना, कोई दो मरले के मकान में, कोई दो कनाल में, कोई चार कनाल में, अपनी हैसियत के हिसाब से घर बनाता है ना आदमी। हर एक की सवारी, कोई साइकिल पर है, कोई मोटरसाइकिल पर है, कोई गाड़ी पर है, फिर गाड़ियों में फ़र्क है। हर एक के कपड़े, हर एक का खाना अपनी हैसियत के हिसाब से है, तो फितराना भी क्या होना चाहिए, हैं जी, फितराना भी क्या होना चाहिए। ये अक्सरियत गंदम से ही निकालती है फितराना, है ना, 100-150 रुपये निकाल दिए फितराना हो गया। नहीं भाई, आप किशमिश के हिसाब से फितराना निकालो, अल्लाह ने आपको दिया है किशमिश के हिसाब से, वो तकरीबन 1600-1700 रुपये बनेगा। खजूर के हिसाब से निकालो, 700-800-900 रुपये बन जाता है, खजूर की भी कीमत फर्क। अल्लाह तौफीक दे, अजवा के हिसाब से निकालो, वो ज़्यादा बनेगा बहुत। जौ के हिसाब से निकालो 350-400, गंदम के हिसाब से निकालो 150-150 रुपये। जब आपके कपड़े बराबर नहीं, खाना बराबर नहीं, सवारी बराबर नहीं, तो फितराना क्यों सबका एक जैसा हो गया। अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से निकालो, बढ़ चढ़ के निकालो, गरीबों को अपनी खुशियों में शरीक हो। और लोग आपके पीछे ना फिरे फितराना दो, आप लोगों को तलाश करो कौन ज़रूरतमंद है, और सबसे पहले हकदार रिश्तेदार।